नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान वृंदावन में शाम के हरि कथा में आप सबका स्वागत है। कल से हमने भगवान श्री कपिल देव जो 12 महाजनों में एक महाजन भी है, भगवान का ज्ञान प्रदान अवतार भी है और भगवत गीता के 10वें अध्याय में कपिल देव के लिए लिखा है सिद्धानाम कपिलो अस्मि। जो भी सिद्ध हैं, सिद्ध का मतलब होता है परफेक्टेड बीइंग्स, मतलब जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है उनमें मैं कपिल देव हूँ। वैसे सिद्ध लोक होता है और सिद्ध लोक के अधिपति कपिल देव हैं। तो कपिल देव के ये 3 विशेषताएं हमको भागवत में मिलती हैं। पहले तो वो भगवान के ज्ञान प्रदान अवतार है जो देवहूति माता को सांख्य दर्शन, भक्ति पूर्वक सांख्य दर्शन का उपदेश करते हैं, जो श्रीमद्भागवत का 2 बड़े नंबर का उपदेश है। कपिल देव 12 महाजनों में एक महाजन है, तो ये महाजन की शिक्षा है। महाजन ये न गता सब पंथ, जिस मार्ग से महाजन गए हैं उनके पीछे चलना चाहिए। और सिद्धानाम कपिलो अस्मि, और सिद्धों में भी कपिल देव भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी विभूति है। तो भगवान श्री कपिल देव का प्रकट्य बिंदु सरोवर के तट पे सरस्वती नदी के किनारे
कर्दम मुनि के यहाँ भगवान विष्णु ने जो वचन दिया था देवहूति माँ के माध्यम से शुद्ध सत्व विशुद्ध सत्व के रूप में जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उनकी आके स्तुति की थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रकट से पहले कंस के कारागृह में ब्रह्मा जी शंकर आदि को लेकर आए थे, यहाँ नारद जी और कुमार आदि ऋषियों को लेकर आए थे। तो सुंदर कपिल देव सुनहरी बाल हैं और उनके सुंदर रूप का वर्णन है और वो क्या करेंगे कार्य उसका वर्णन है। तो हम 25वें अध्याय का श्रवण वर्णन करने जा रहे हैं जिसमें भगवान श्री कपिल देव के मुख से सांख्या के अंतर्गत शुद्ध भक्ति की महिमा का वर्णन है। इस अध्याय के ऊपर श्रील प्रभुपाद के धारावाहिक प्रवचन 74 में बॉम्बे में हुए थे, जो देवहूति पुत्र कपिल की शिक्षाओं के नाम से पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। भाग्यशाली उसको पढ़ के रसास्वादन कर सकते हैं। तो ये अध्याय शुरू होता है शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि कब जैसे ही कर्दम मुनि अपने पुत्र के प्रकट होते ही प्रणाम करके प्रदक्षिणा करके और संन्यास आश्रम का अनुगमन करने के लिए विचरण करने के लिए निकल गए तो उसके बाद क्या किया कपिल देव ने। और दूसरा श्लोक ये है जो कल हम पढ़ रहे थे जिसमें विशेष बात यह है नहि अस्य वर्षमण पुंसाम, भगवान के न कोई समान है न कोई भगवान से बड़ा है। और भगवान और कैसे हैं वरी मण सर्व योगी नाम, सर्व योगियों योगियों के भी ईश्वर हैं योगेश्वर हैं भगवान। तो ये भगवान अपने आप में अपनी योग माया से जब प्रकट होते हैं तो न कोई उनके समान है न कोई उनके बराबर है। योगी भले कोई चमत्कार दिखा दें लेकिन भगवान उन सब योगियों के योग सिद्धियों के देने वाले हैं तो योगेश्वर है। विश्रुतौ श्रुत देवस्य भूरि तृपयंती मे अश्वः, अश्वः का मतलब वैसे तो सांस प्राण को कहते हैं। प्राण और इंद्रियां ये ऐसे भगवान के गुण रूप की लीला का वर्णन सुनने से ही सुख लेती है, वो उसी से ही तृप्त होती हैं। तो इसमें कल हम देख रहे थे कि भगवान के बराबर कोई नहीं है, फिर भगवान योगियों के स्वामी हैं और यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं सबके लिए पूजनीय भी भगवान है, सबके लिए पूजनीय भगवान है। अनन्य अहरत्व, और किसी की पूजा नहीं केवल भगवान की ही पूजा की जाती है। तो भगवान पूजन्य है, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं मदयाजी मेरी पूजा करो, तो भगवान सबके लिए पूजन्य है। और फिर भगवान की पूजा करने से अथवा भगवान की कथा सुनने से क्या होता है तो कहते हैं इंद्रियों को इससे बहुत बड़ी संतुष्टि होती है तृप्ति होती है। मन और इंद्रियां और प्राण, ये प्राण शब्द अगर इस अश्व का अर्थ निकालें तो फिर भगवत गीता का ये श्लोक चतुर्श्लोकी गीता का मदगत प्राणा, अगर भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो प्राणों को टिका के रखने के लिए भगवान की कथा अनिवार्य है, आवश्यक नहीं है अनिवार्य है। भक्त अगर कथा नहीं सुनेगा तो प्राण निकल जाएंगे। वैसे ये सब घूम फिर रहे हैं, अगर कथा नहीं सुन रहे हैं
तो ये ऐसे हैं जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जीव जागो जीव जागो, ये सब आध्यात्मिक दृष्टि से सोए हुए हैं। भगवान की कथा ऐसे लिखा है कि भगवान की पूजा जब कोई वासुदेव की पूजा हजारों जन्मों तक करता है तब उसको भगवान के नाम जपने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो हम भगवान का नाम जप रहे हैं हरे कृष्णा, ये कई जन्मों के भगवान की पूजा का प्रणाम है। ऐसे भगवान की पूजा करने से यहाँ लिखा है इंद्रियों को आनंद मिलता है, इसलिए भगवान का नाम है गोविंद। भगवान को गोविंद कहते हैं क्योंकि वो इंद्रियों को आनंद देते हैं। तो कब आनंद देते हैं? जब कोई भगवान की कथा कीर्तन में भाग लेता है। और फिर एक बात प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, जैसे भगवत गीता को जितना बार बार हम पढ़ते हैं तो कभी भी उसको पढ़ने से उकता नहीं जाते हैं, हर बार उसी में से हमको और ज़्यादा आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होने लगती हैं। कई बार भगवत गीता को पढ़ो, हर बार कोई नई अनुभूति होती है, क्योंकि भगवान की वाणी और भगवान में अंतर नहीं है। जैसे भगवान नव यौवन है, हर समय भगवान नवा ही लगता है, पुराना नहीं होता है, नया ही रहता है। ऐसे भगवान की वाणी भी हर समय नया ही, उसके अंदर रस है, उसी के अंदर नई अनुभूति मिलती है और नया ही प्रकाश मिलता है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि कभी भी भगवत गीता को बार बार पढ़ने से कोई थकता नहीं है, और जितना ज़्यादा पढ़ता है उतनी उसकी अनुभूति और उसकी सूझबूझ भगवत गीता के प्रति बढ़ती है। और वैसे जब बार बार पढ़ते हैं तब भगवान कृपा करके उस भगवत गीता के रहस्य को भी हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। हम अपने विद्वता से शास्त्र को समझ सकें ये संभव नहीं है, भगवान कृपा करके वो हमारे हृदय में प्रकाशित करता है। ये भगवान हृदय में बैठा हुआ है, ज्ञानम अपोहनम च। जब हम भगवान को जानना चाहते हैं तो गीता पढ़ते हुए वो अपने को कैसे जाना जाए ये हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं, या ऐसे भक्तों का संग दे सकते हैं जहाँ से हमारे को भगवान को समझना आसान हो जाए। तो अब हम ये दो श्लोक हैं सनक ऋषि के, अब सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं। तीसरा श्लोक यहाँ लिया, श्री सूता वाचा द्वयपायेन सखा सखस्त्व एवं मैत्र्यो भगवान तथा प्राहेदं विदुरं प्रीता आनवीक्षक्यां प्रचोदितः तो अब सूत गोस्वामी से जब प्रश्न किया गया कि हमारे इंद्रियों के सुख के लिए आप हमको भगवान कपिल देव के मुख से जो कहा गया उसका भूरी भूरी प्रशंसा के साथ सुनाइए, तो सूत गोस्वामी कहते हैं द्वैपायनो सखस, द्वैपायनो नाम है व्यास देव का। कौन से व्यास देव का? कृष्ण द्वैपायन व्यास देव, जो द्वीप के ऊपर जन्म लिया था और सांवले रंग के थे, सत्यवती और पराशर के पुत्र हैं, इस व्यास देव की बात कर रहे हैं। तो जब हम व्यास देव कहते हैं, अभी जब हम सामान्य रूप से व्यास देव कहते हैं तो इसी व्यास देव का उल्लेख करते हैं। वैसे हर युग में व्यास देव आते हैं, तो व्यास देव आसन का नाम है, उसके ऊपर बैठने वाला नाम और हो सकता है, व्यक्ति और हो सकता है। व्यास शब्द का अर्थ है वेदों का विस्तार करना, वेद व्यास, व्यास और समास, समास का मतलब थोड़े में, व्यास का मतलब बहुत विस्तार से। तो
तो जो वेदों का विस्तार करे उसको व्यास कहते हैं। तो यहाँ द्वैपायन लिखने का मतलब जो ये पराशर और सत्यवती का पुत्र द्वीप के ऊपर जो पैदा हुआ प्रकट हुआ था, जो भगवान के साहित्य को शास्त्र को प्रकट करने के लिए अवतार लेकर आए थे, तो ये द्वैपायन व्यास शास्त्र को प्रकट करने, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि पहले शास्त्र नहीं था, पहले वेद नहीं था, पहले भागवत नहीं थी, ऐसा नहीं है। जैसे भगवान नित्य है ऐसे भागवत भी नित्य है, लेकिन समय के साथ कभी लुप्त हो जाता है। और क्यों शास्त्र लुप्त होता है? क्योंकि एक तो उसको समझने वाले नहीं होते हैं, दूसरा उसके ऊपर लोग अपनी मनमानी टीकाएं करके उसके असली रहस्य को, उसके असली तत्व को ही बिगाड़ देते हैं, तो शास्त्र का रूप बिगड़ जाता है। दो ही कारण है। भगवद गीता में जैसे भगवान कहते हैं कि जो मैंने अविनाशी योग का ज्ञान पहले सूर्य देव को दिया था वो समय के साथ नष्ट हो गया, तो इस नष्ट हो गए का मतलब है राज ऋषि नहीं रहे, और लोगों ने उसके ऊपर अपनी मनमानी टीका टिप्पणी की तो उसके अंदर जो असली सत्य था, सार था, वो बिगड़ गया। ऐसे बहुत से शास्त्रों को बिगाड़ दिया है लोगों ने अपने मनमानी टीका करके। तो ऐसे समय के साथ कलयुग के प्रभाव से जब शास्त्रों का सार स्पष्ट नहीं होता है तो भगवान व्यासदेव के रूप में प्रकट होके उनको वापस प्रकाशित करते हैं। ऐसे लिखा है कपिल देव के आने से पहले भी सांख्य था, लेकिन जैसे भगवत गीता का ज्ञान लुप्त हो गया था ऐसे सांख्य भी लुप्त हो गया था, तो कपिल देव में प्रकट होकर उस सांख्य को पुनः प्रकाशित किया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इस दुनिया में हर एक कहता है कि मैं अपना नया आविष्कार कर रहा हूँ, ये मैंने ही निकाला है, लेकिन भगवान ऐसे कभी नहीं कहते हैं। वो कहते हैं पहले से जो ज्ञान है उसी को हम प्रकाशित करते हैं, उसके ऊपर नया कोई खोज करने की जरूरत नहीं है, शोध करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में पहले ही परिपूर्ण है। तो यहाँ व्यास देव का सखा, कौन व्यास देव का सखा है? लिखा है मैत्रियो भगवान, मैत्रिय के लिए शब्द उपयोग किया गया है भगवान। भगवान के लिए एक परिभाषा है जो भगवान के संग रहता है उसमें भगवान जैसे गुण आ जाते हैं, ये कल हमने चर्चा करके कथा को विराम दिया था। कहाँ कथा को कल किस शब्द के ऊपर विराम दिया था? जो भगवान का संग करेगा, और संग भगवान का भगवान के शास्त्र के श्रवण से होता है, भगवान के कीर्तन से होता है। तो भक्ति से भगवान का संग करने से संग करने वाले में भगवान के गुण आ जाते हैं, और वो भगवान की तरह लोगों का कल्याण कर सकता है। जैसे भगवान क्या काम करते हैं, प्रायः चार शब्द भगवान के लिए हमको इस कपिल देव के प्रसंग में मिलते हैं। भगवान भगवत गीता में, भागवत में है कि भगवान भक्तानाम अभयंकर, भक्तों को भय से मुक्त करते हैं, भगवान भक्तों को भय से मुक्त करते हैं, भगवान भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के अवगुणों को धो के साफ कर देते हैं और उनको अपने चरणों का अमृत पिलाते हैं। जैसे बछड़े को माँ जन्म लेते ही चाट के साफ करके अपना दूध पिलाती है, ऐसे भगवान भक्तों के दोषों को धोकर मार्जन करके उनको अपने चरणों का अमृत पिलाते हैं। और भी दो शब्द आए थे, भक्तों की शिक्षा के लिए, भगवान अर्जुन को शिक्षा देने के लिए भगवान भगवत गीता, जैसे कपिल देव देवहूति के माध्यम से विश्व के कल्याण के लिए शिक्षा दे रहे हैं, हाँ भक्त शिक्षार्थम, ऐसे भाव है। तो जैसे भगवान ये कार्य करते हैं ऐसे भगवान के भक्त भी ये कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं? भगवान की कथा सुनाते हैं लोगों को, जो कथा सुनता है वो भगवान में
उसकी आसक्ति बढ़ जाती है तो संसार के दुख से उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो दुखों से लोगों को निवारण करने का काम भक्त भी करते हैं। तो कल तो ये था, लिखा था प्रभुपाद ने, कभी कभी भगवान से भी भक्त महान काम भगवान की कृपा से कर लेते हैं। और इसके ऊपर कल हमने क्या दो उदाहरण देखे थे कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान भक्त के रूप में आए, भक्ति का प्रचार कृष्ण प्रेम का केवल भारत खंड की सीमा में किया, लेकिन उन्हीं गौर की वाणी का प्रचार करने के लिए प्रभुपाद ने वही पूरे विश्व में ही प्रचार कर लिया। तो देखा जाए तो भगवान ने अपने भक्त से अपने से ज़्यादा कार्य करा लिया। तो ऐसे यहाँ जो लिखा है कि मैत्रेय भी ऐसा मान था, एक हम तो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा धाम से अपने धाम जाने का समय आया तो केवल तीन ही व्यक्तियों ने भगवान से वहाँ मुलाकात की। एक तो उद्धव जी को भगवान ने उपदेश दिया, उसी समय मैत्रेय जी भी वहाँ आए, मैत्रेय जी से भगवान ने बातचीत की और कहा कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप विदुर को बताना। और तीसरा दारुक वहाँ खड़ा था जिसको भगवान ने कहा जाओ, हमारे जाते ही द्वार का समुद्र निगल लेगा और हमारे सारे परिकरें वहाँ से निकलने के लिए संदेश दे दो, बस। और कोई व्यक्ति भगवान के निकट नहीं था। तो ये तीन व्यक्ति भगवान को कितने प्रिय हैं जो भगवान के अंत समय उपदेश को और शिक्षा को ग्रहण किया है। तो मैत्रेय भगवान के संग रहे और भगवान की बात को आगे विदुर को सुनाएंगे, इसलिए संज्ञा दी है भगवान की। ब्रह्मा जी को कभी कभी भगवान कहते हैं, शंकर जी को भगवान कहते हैं, सामान्य हम देखेंगे तो लोग गुरुदेव भगवान भी कहते हैं। तो ऐसे कोई महान व्यक्ति है तो उसको भगवान की संज्ञा दी जाती है, लेकिन बस एक बात का ध्यान ये देखा जाता है कि भगवान श्री भगवान किसी को नहीं कहा जाता। भगवद गीता में यहाँ भी जब कपिल देव बोलेंगे तब लिखा होगा श्री भगवान, जब मैत्रेय जी बोलेंगे तब श्री भगवान नहीं लिखा होगा, तब लिखा होगा श्री मैत्रेय या मैत्रेय ऋषि। तो श्री भगवान बोला केवल जाता है जब भगवान कृष्ण या भगवान कृष्ण का विस्तार विष्णु तत्व बोलता है तो श्री लिखा जाता है। श्री का मतलब लक्ष्मी के युक्त, तो लक्ष्मीपति तो कोई नहीं है इनमें से, सिर्फ वो भगवान एक लक्ष्मीपति है। तो श्री भगवान भगवान के विष्णु अवतारों के लिए और साक्षात भगवत गीता में श्री कृष्ण के लिए लिखते हैं श्री भगवान वाचक। बाकी भगवान व्यास कहना, भगवान मैत्रेय कहना, भगवान ब्रह्मा कहना, भगवान शंकर कहना, भगवान गुरुदेव भगवान कहना, ये सब ठीक है, लेकिन इनमें से एक भी श्री भगवान नहीं है। श्री भगवान श्री कृष्ण है, श्री भगवान नारायण है, तो इसलिए वहाँ श्री भगवान लिखा जाता है। और फिर लिखा है विदुर के उत्साह से प्रश्न पूछने के ऊपर मैत्रेय जी ने जो उपदेश दिया दिव्य ज्ञान का, मैत्रेय जी ने जो दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया है वो ऐसे है। अब ये क्या हुआ, ऐसे नहीं सूत गोस्वामी कहते हैं, अच्छा आप बहुत बड़े ऋषि मुझसे पूछ रहे हो तो जैसे मैं आपको कहता हूँ ऐसे सुनो, ऐसे नहीं कह रहा है। कह रहा है जैसे व्यास देव के मित्र, व्यास देव के मित्र का अर्थ ये प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं, भाई जो जिसके संग में रहता है तो पता लगता है कि ये कैसा होगा। तो जो व्यास के संग में रहा होगा वो वेदों में रचा पचा होगा कि नहीं होगा। तो भाई व्यक्ति को उसके संग से पहचाना जाता है, ये एक कहावत है। तो व्यास देव का जिसने संग किया होगा तो कितना महान पुरुष होगा, और फिर उसने भगवान का श्री कृष्ण का साक्षात संग किया हुआ है और भगवान श्री कृष्ण से साक्षात भागवत सुन के आया है। तो ऐसे मैत्रेय जी ने जिसके लिए भगवान की संज्ञा दी गई है उन्होंने दिव्य ज्ञान को, हाँ
क्या दिया? ये जो शब्द है यहाँ लिखा पड़ा है आनिवीक्षक्याम जो शब्द है, आनिवीक्षक्याम का मतलब है दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान के विषय में वीक्षय अनिवीक्षय विशेष दिव्य ज्ञान का उन्होंने उपदेश दिया। प्रभुपाद जी के सारे तात्पर्य में मुख्य बात यह है, जब सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों भगवत प्रेमी हों तो फिर कथा के रस का अमृत और बढ़ता जाता है। तो मैत्रेय ऋषि जैसा व्यास देव का मित्र बोलने वाला हो और धर्मराज का अवतार विदुर अगर सुनने वाला हो, जो नीतिज्ञ है भगवान श्री कृष्ण, जिसके घर में बिन बुलाए आके केले का छिलका विदुरानी का और जला हुआ साक विदुर का खाते हैं और विदुर के गोद में सर रख के सो जाते हैं, ऐसे विदुर जो भगवान श्री कृष्ण से इतना स्नेह करते हैं, वहाँ लिखा है विदुरम प्रीत, बहुत बड़े भगवान के प्रेमी हैं, वैसे ये भी दूसरा महाजन है। विदुर भी धर्मराज है, जो मारा महाजनों में एक महाजन है, तो वो भी बड़ा गुणवान है। तो उसके इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभदायक है। तो पूछने वाला भी कोई प्रमाणिक प्रेमी हो और सुनाने वाला व्यासदेव का मित्र भगवान श्री कृष्ण से कृपा प्राप्त किया हुआ हो तो उसको सुनने में आनंद आएगा। अब मैत्रेय जी बोल रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं सूत कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ अभी मेरे शब्द नहीं है, ये मैत्रेय के शब्द हैं। उन्होंने मैत्रेय के शब्दों को बोला। मैत्रेय वाचा पित्री प्रस्तुतते अरण्यम मातुः प्रिया चिकृष्या तस्मिन् बिन्दो सरेय वात्सीद तस्मिन् बिन्दो सरे अवात्सि भगवान् कपिलः कील। अब मैत्रेय जी कहते हैं पित्री प्रस्तुते, जैसे ही कपिल देव जी के पिता कर्दम मुनि अरण्य वन में प्रवेश किया, प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है कि वन में प्रवेश करना सबके लिए अनिवार्य है, सबको वन में जाना चाहिए, क्योंकि वानप्रस्थ वो अपने हिंदी गिनती में 50 के बाद गिनती कैसे होती है, 51, 52, 53, वन में जाओ और कब तक चलती है, 58 तक, 8 साल तक गिनती ऐसी है कि वन में जाओ। कोई नहीं गया तो 59 और 60 फिर तो लाठी खानी पड़ेगी, फिर तो दुख भोगना ही पड़ेगा, वन में जाओ। प्रभुपाद जी एक तरफ लिखते हैं कि वन में जाना सबके लिए जरूरी है, फिर दूसरी तरफ लिखते हैं, दूसरी ओर कहते हैं कि आजकल आधुनिक जीवन शैली से हम इतने बिगड़ गए हैं कि वन में रहने के योग्य ही नहीं है, हमारे अंदर ये अब सामर्थ्य नहीं है कि हम वन में रह सके। फिर प्रभुपाद जी जब वन में जाने की बात है तो कहते थे वृंदावन ही हमारा वन है, क्योंकि ये तो वन ही है तो यही वन में आके रहना चाहिए। लेकिन कर्दम ऋषि तो ऐसे वन में चले गए थे जहाँ जंगल ही जंगल है, कोई व्यक्ति नहीं था, अकेले घूम रहे थे, कोई साथ में नहीं था। तो जैसे ही कर्दम मुनि वन में चले गए
मातु अपनी माता देवहूति का प्रिय चिकित्सक है, उसको प्रसन्न करने के लिए। यहाँ प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा है कि अपनी माता को आश्वासन देने के लिए, संरक्षण करने के लिए, उनको सुख देने के लिए कपिल जी, भगवान कपिल है, जो भगवान कपिल है वो बिंदु सरोवर के ऊपर रुक गए। ये जो शब्द है वास्ति, वास्त मतलब वास करना का मतलब रहना। तो पिताजी के जाने के बाद देवहूति को सुख देने के लिए कपिल देव जी बिंदु सरोवर के कपिल आश्रम में, कर्दम के आश्रम में रहने लगे। तात्पर्य में प्रभुपाद ने वही लिखा है कि अगर पति संन्यास ले ले तो पुत्र को अपनी माता का सेवा और संरक्षण करना चाहिए। अब एक दिन की बात है, एक दिन की बात है का मतलब है जब कपिल देव बड़ा हो गया, माँ ने उसका पालन पोषण किया, वैसे भगवान है। तमासीनम अकर्माणम, तमासीनम अकर्माणम तत्व मार्गा आगरा दर्शनम स्वसुतः देवहूत्य आह धातो संस्मरन्ति वचः। तान आसीनम अकर्माणम, एक दिन कुछ भी नहीं कर रहे थे, बहुत आनंद में शांत मुद्रा में कपिल देव बैठे थे, मतलब अकर्माणम का मतलब कोई कार्य नहीं कर रहे थे, जैसे आदमी कहते हैं आराम में विराजमान थे। तो तत्व मार्ग आगार दर्शनम, मार्ग आगार का मतलब संसार सागर से पार ले जाने वाला तत्व सिखाने के लिए देवहूति ने अपने पुत्र से पूछा। इससे एक बात बहुत अच्छी ये समझ में आती है कि जब कोई बहुत शांत और प्रसन्न चित्त हो तब कुछ पूछना चाहिए। यहाँ तो ऐसा हाल होता है कि पसीने में चलते हुए थकते, अरे एक प्रश्न है प्रभु जी, अरे बाबा सांस तो लेने दो। और यहाँ हमारी हालत, हमने तो कई बार देखा है, हम चल नहीं पा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं आसाम से बैठो, फिर कोई पूछो ना, कोई आदमी काम कर रहा है, फिर एक प्रश्न है हमारा, ये पूछना ऐसे नहीं चाहिए। पूछने से पहले सामने वाले को बहुत, जिसको अंग्रेज में कहते हैं रिलैक्स, बहुत प्रशांत और कार्य से निवृत्त और आनंद में जब हो तब उससे कुछ पूछना चाहिए। तो जब ऐसे प्रभुपाद ने अंग्रेजी में लिखा है लेयरली, जब बहुत शांत आराम में बैठे हुए थे तो अपने पुत्र से देवहूति माता ने, धातु शब्द देख रहे हैं, धा देख, ये धातु दिख रहा है, धातु दिख रहा है, धातु के आगे वी लगाओ तो क्या हो जाएगा, विधाता, विधाता का मतलब ब्रह्मा, सुस्मृत मतलब याद किया। ब्रह्मा ने देवहूति माता को कहा था कि ये तेरा पुत्र तुम्हारे को दिव्य ज्ञान देगा, तो देवहूति को ये स्मृति आ गई, तो अपने पुत्र को शांत आराम में देखा तो देवहूति माता ने संसार से पार कराने वाले मार्ग अगर आगे ले जा, वो मार्ग जो संसार से आगे ले जाता है,
उसके तत्व के दर्शन के लिए अपने पुत्र को प्रार्थना की अथवा कहा। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ? कपिल देव जी जो जीवन के सार को, परम सत्य को बता सकते हैं, वो मार्ग दिखा सकते हैं, ऐसे कपिल देव जब शांति में बैठे हुए थे तो देवहूति माता ने ब्रह्मा जी के वचनों की याद स्मृति करते हुए उनसे ऐसे कहा। तो दो बातें हैं इसमें, एक तो ब्रह्मा जी के वचनों की याद आ गई उनको कि यही मेरा मार्गदर्शन करेंगे। इससे एक बात ये भी बहुत लगती है कि किसी को गुरु चुनने से पहले ब्रह्मा जी जैसे किसी बुद्धिमान से पूछना चाहिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ ये ठीक है कि नहीं है, ऐसे ध्वनित हो रहा है। अब देवहूति कपिल देव को गुरु के समान प्रणाम करेगी, ऐ माँ, यहाँ माता गुरु हो रही है, माता अपने पुत्र को गुरु बना रही है, लेकिन वो कैसे बना रही है? ब्रह्मा जी ने कहा है। तो ब्रह्मा जी के वचनों को याद करके देवहूति माता अब क्या कह रही है? देवहूतिर वाचा निर्वणा नित्रां भूमन असत इंद्रिय तृष्णात् येन संभाव्यमानेन परपनांधं तमः प्रभो। तो देवहूति माता जी कहती है, पहला शब्द है निर्वीणा। निर्वीणा का मतलब है जब तक संसार में दुख का अनुभव नहीं हो जाता। ये संसार दुख का सागर है, भगवान ने तो कह दिया है कि ये दुखालयम है, लेकिन अभी तक हम इसमें सुख ढूंढ रहे हैं। तो जब ये निर्णय हो जाए, निश्चय हो जाए कि संसार में दुख ही दुख है, तो इसको कहते हैं निर्वणा। निर्वणा, जो निर्वणा शब्द है, इसका अर्थ है अच्छी तरह से, संसार के दुख के कारण उससे उपरांत हो जाए, अच्छी जगह नहीं है। डिसगस्टेड, अंग्रेजी में प्रभुपाद ने शब्द लिखा है डिसगस्टेड, मतलब संसार से जो आदमी बिल्कुल बेमना हो जाए। और नितराम, अच्छी तरह से, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे होता है, कभी एक दिन घर में झगड़ा होगा तो मैं जा रहा हूँ मैं वृंदावन, लेकिन रास्ते में ही फिर कोई चीज़ याद आती है, वापस घर चले जाते हैं। तो ये तो हुआ कच्चा पक्का, बोला स्त्री मुई धन नासा मूड मनाए बना धनवा सन्यासा, पत्नी मर गई दुकान वुकान चौपट हो गया तो सर मुंडवा लिया और सन्यासी हो गया, ऐसा नहीं। ये यहाँ तो जो अच्छी तरह से समझे कि इस दुनिया में कहीं अब सुख नहीं मिल सकता है, अब हमारे को असली सुख को ढूंढना है। ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि शिष्य का गुण ये है कि जब वो असली सुख को जब ढूंढना चाहता है तब गुरु के पास जाना चाहिए। तो असली सुख को ढूंढता है, इसका मतलब संसार में सुख है ही नहीं, संसार दुखालयम है। जो सुख को ढूंढना चाहे तब गुरु के शरण में जाए, वहाँ गुरु शिष्य की ये, शिष्य का ये गुण लिखा हुआ है, ये शिष्य का गुण होना चाहिए कि वो असली सुख को ढूंढने आया है। भगवान सुख का सागर है, भागवत सुख का सागर है, भागवत के दशम स्कंद का नाम ही सुख का सागर लिखा हुआ है, उसका नाम है सुख सागर, जो दशम स्कंद छपा हुआ है गीता प्रेस से, उसका नाम ही है सुख सागर, भगवान सुख का सागर है। तो कई बार हमने आपसे एक बात पूछी है कि सुख तो सब चाहते हैं, कैसा सुख चाहते हैं?
आपके सुख की खोज कैसी है, आपको कौन सा सुख चाहिए, जो सदा रहे वो चाहे ये, या जो संडे मंडे को हो वो चाहिए। तो सब क्या कहेंगे, सदा रहने वाला सुख चाहिए। फिर कहाँ सुख चाहिए, वृंदावन में मंदिर में चाहिए, प्रचार करने गागरा जाते हैं वहाँ चाहिए, या अपने घर में चाहिए कि दुकान में चाहिए, कहाँ चाहिए, तो कौन सा सुख चाहिए आपको, जो जो सब जगह हो, सब जगह वाला सुख चाहिए, सब समय वाला सुख चाहिए, और किससे सुख चाहिए, किससे चाहिए, पति से चाहिए, भाई से चाहिए, ग्राहक से चाहिए, पड़ोसी से चाहिए, किससे चाहिए। अरे भाई जिससे मिले उन सब से सुख मिले। तो हमारे सुख की खोज कौन सी है, सब जगह हो, सब समय हो और सबसे हो। अब ऐसा कौन है जो सब जगह है, सब समय है और सब में है, और कोई है भगवान के अलावा जो सब समय हो, सब जगह हो और सब में हो, ऐसा कोई है क्या? आपका कोई रिश्तेदार है, पैसा है? नहीं, केवल भगवान है जो सब जगह है, सब समय है और सब में है। तो वो सुख केवल भगवान से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। जो सुख हम ढूंढ रहे हैं वो इस दुनिया में है ही नहीं, तो मिलेगा नहीं। इस संसार के सुख के लिए हमारे पूर्व आचार्यों ने कहा है वारी बिंदु। वारी बिंदु का अर्थ है रेगिस्तान में, मरुभूमि में, रेत में एक बूंद पानी की गिरे तो उससे किसी को प्यास बुझेगी क्या? इतना सुख है इस दुनिया में, इतना सुख इस दुनिया में, एक बिंदु जितना। तो असली सुख किसी को चाहिए तो गुरु का शरण लेना चाहिए। तो यहाँ देवहूति माता जी दुख से पार असली सुख को, देवहूति क्या कह रही है, अभी दुनिया तो मानो कपिल देव अगर पूछते हैं कि माता जी इतने बड़े महान हमारे पिताजी, महान भक्त भागवत योगी, इतना बड़ा अद्भुत महल बनाया पूरा गांव का गांव, और वो आकाश मार्ग में उड़ के आया, तो ये आपको सुख नहीं लगा? तो कहती हैं असत इंद्रिय तर्षणात्। इंद्रिय तर्षण, तर्षण का मतलब असत, ये इंद्रियां असत हैं। असत का अर्थ प्रभुपाद ने लिखा है जो सदा नहीं रहे, जो सदा रहने वाला नहीं है। जैसे शरीर असत है क्योंकि सदा नहीं रहेगा, आत्मा सत्य है, शरीर असत है, जगत असत है क्योंकि सदा नहीं रहेगा, भगवान सत्य है क्योंकि सदा रहेंगे। तो असत का मतलब है जो सदा रहने वाला नहीं है। इंद्रिय और कैसी है ये, तर्षणात्, बड़ा त्रास देती हैं। त्रास देने का मतलब दुख देती हैं, और इसके लिए एक और शब्द क्या होता है, मृग तृष्णा। ये इंद्रियां कैसी हैं, मृग तृष्णा। बस ये आगे पड़ा है सुख, अभी मिल जाएगा, लेकिन सुख उतना ही दूर रहता है जितना पहले दिन दुखता है, उतना दूसरे दिन ही उतना ही दूर रहता है। असत इंद्रिय तर्षणात्, ये प्रभुपाद जी का उदाहरण। पुराने जमाने में गधे घोड़े की सवारी होती थी, उसको दौड़ाने के लिए, तेज भगाने के लिए ऊपर चढ़ा हुआ आदमी लाठी के आगे गाजर बांध देता था जो गधे की आंख के सामने होता था, बस एक इंच आगे होता था, और गधा घोड़ा समझता था अभी गाजर मिलेगा, अभी खाऊंगा, और बहुत तेज दौड़ता था, लेकिन लाठी में बंधा हुआ गाजर उतना ही दूर रहता था, वो हाथ नहीं आता था। और जब मंजिल पे पहुंच जाता था, जब जहां जाना होता था आदमी को उतरता था, तो गाजर तो स्वयं खा लेता था और लाठी गधे को मारता था। तो ये है असत इंद्रिय तर्षणात्, कि हम समझते हैं ये सुख मिल जाएगा, लेकिन अंत में हमने कमाया, पैसा कमाने से सुख मिल जाया, बहुत बड़ी गड्डियां कठी की, और मरने के बाद कौन ले जाएगा पता नहीं, हमें तो लात मार के भगा दिया जाएगा और गाजर कोई और खा जाएगा। हम तो केवल भाग भाग के आगे गए,
देख देख के खुश हुए, खाएगा कौन भगवान जाने। तो ये असत इंद्रिय तर्षणात्। और फिर क्या कहती हैं, ये न समुद्यमाने न, ये इंद्रियां हमेशा हमारे को सताती रहती हैं। तर्षणात् का मतलब है यहां लिखा है कि इसके कारण, इन इंद्रियों के सताने के कारण मैं तो बिल्कुल इस संसार में गड़ गई हूं, गिर गई हूं, परपना मैं गिर गई हूं। अंधतमः, इस अज्ञानता के अंधकार में गिर गई हूं। हे प्रभु, हे या भगवान, या कपिल देव के लिए कहती है प्रभो, प्रभु का मतलब स्वामी। तो कपिल महाराज, माता देवहूती का कहना है मेरे इंद्रियों ने जो मुझे सताया है उस दुख से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अंधकार के, अज्ञानता के अंधकार में गिर गई हूँ, ये अपनी स्थिति बता रही है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य है असत के ऊपर, असत का मतलब सदा न रहने वाला। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं अभी जो हमारी इंद्रियां हैं ना, ये असत हैं। भक्ति करने से ये बाहर से जो असत इंद्रियां हैं ये तो आस्ते आस्ते हट जाएंगी, और अंदर में जो सत्य इंद्रियां हैं वो प्रकट हो जाएंगी। तो भक्ति से हमारी दिव्य इंद्रियों का प्रकट्य हो जाएगा। इसकी माना क्या है, इसका अर्थ ये है कि भक्ति करने से हमारे को सिद्ध देह का अनुभूति हो जाएगी। सिद्ध देह का मतलब जो सिद्ध है, जो सदा रहने वाली है, सत्य है। ये असत देह से हमारा, भक्ति से ये असत देह भी पवित्र हो जाएगी। एक दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, जैसे लोहा आग में रहता है तो आग जैसा लाल होता है तो आग का काम करता है, ऐसे भक्ति में लगाने से ये इंद्रियां ही आध्यात्मिक हो जाएंगी। लेकिन उससे भी आगे भक्ति हमारे को हमारे स्वरूप का बोध कराएगी। तो उसमें जो हमारी इंद्रियां होंगी वो सत्य इंद्रियां होगी, असत इंद्रियां नहीं होंगी। वो हमको दुख नहीं देंगी, वो भगवान की सेवा का सुख देंगी। तो प्रभुपाद जी के शब्दों में यहाँ भक्ति से हम जो हमारी भौतिक गुणों से ढकी हुई इंद्रियां हैं उनका मार्जन करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का मार्जन करते हैं, इंद्रियों का मार्जन होता है। ऐसे जब ये भौतिक गुणों का प्रभाव इंद्रियों के ऊपर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, उसको कृष्ण भावना भाव कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। और फिर उसको कहते हैं सत इंद्रिय, असंध नहीं है, फिर सत इंद्रिय हो जाती है। और उससे जब हम कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं भक्ति। अब ये भगवद गीता का श्लोक फिर याद करके इस प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझना चाहिए। जब ब्रह्म के स्तर के ऊपर कोई पहुंचता है तभी पराभक्ति कर सकता है। पराभक्ति मतलब शुद्ध इंद्रियों से भक्ति, पराभक्ति का मतलब शुद्ध इंद्रियों से भक्ति, पवित्र की हुई इंद्रियों से भक्ति। वो कब शुरू होती है, जब कोई मुक्त हो जाता है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, जो मुक्त है उनमें से कोई एक होता है जो कृष्ण भक्ति करता है। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। तो मुक्ति के बाद जो भक्ति होती है वो शुद्ध इंद्रियों से होती है। अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं साधन में, इसमें हम इंद्रियों को शुद्ध करने का कार्य कर रहे हैं।
जब इंद्रियां पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगी तो वो मुक्ति का स्तर हो जाएगा। तब हम मुक्त इंद्रियों से, किससे मुक्त? प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त, शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएंगे। तो उसको कहते ही विशुद्ध, शुद्ध देह, सिद्ध देह, उसमें भगवान की जब सेवा करेंगे तो वो सेवा जो होगी भक्ति वाली, वो पराभक्ति कहलाती है, वो ऊपर वाली भक्ति है। तो यहाँ आगे देहूती माता कह रही है, प्रभुपाद यह एक बात कह रहे हैं, जब तक हम भौतिक भोग से थक नहीं जाएंगे तब तक आध्यात्मिक उत्सुकता हमारे अंदर जन्म ही नहीं लेगी। जब तक भौतिक भोग से पूर्ण रूप से निवृत्त न हो जाएं और वो हमारे को दुखदायी नहीं लगेगा, तब तक हम भगवत भक्ति के दिव्य आनंद की ओर अग्रसर होने में इतने समर्थ नहीं हो सकते हैं। आगे देवती माता कहती है, तस्य त्वं तमसो अंधस्य, दुष्पारस्य अद्य प्रागम, सचक्षोर्जन्मनाम अन्ते लब्धं मे त्वद् अनुग्रहा, तस्य त्वं तमो अंधस्य दुष्पारस्य अद्य, आज पारगम, इससे पार, अभी जो अज्ञानता है ना, आप ही केवल मुझे इससे पार ले जा सकते हैं। अपने पुत्र को कहती हैं, आप ही केवल मुझे इस अज्ञानता से पार ले जा सकते हैं। और ऐसी आँख सचक्षु जन्मनाम अंते, कई जन्मों के बाद मुझे आप मिले हैं, लब्धम आपकी कृपा से, कई जन्मों के अभ्यास के बाद आज मुझे वो आपके रूप में आँख मिली है, वो दृष्टि मिली है जो अज्ञानता से मुझे पार ले जाएगी। ये देवहूति माता का विश्वास है, जिसको गुरु करने जाते हैं उसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए कि मुझे निश्चित है। ऐसे अर्जुन भी ऐसे कहते हैं, आप ही मेरे को इस मोह से निकाल सकते हैं, और किसी से मुझे आशा नहीं है, और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है। तो देवहूति माता अपने पुत्र को कहती है, केवल आप एकमात्र ही मुझे इस अज्ञानता के अंधकार से निकाल सकते हैं। निश्चित रूप से कई जन्मों का मेरा आज पुण्य इकट्ठा हुआ है, आप मुझे ऐसा रास्ता दिखाने वाले, ऐसा मार्ग दिखाने वाले पुत्र के रूप में अनुग्रह करके प्रकट हुए हैं, मिले हैं। तो प्रभुपाद जी के इसका अनु, आप ही केवल मेरे को इस अंधकार से पार ले जा सकते हैं, आप ही मेरी दिव्य दृष्टि हैं, आँख हैं, आप की ही कृपा से बहुत से जन्मों के बाद ये प्राप्त हुआ है। इसमें पहला प्रभुपाद जी का देखो तात्पर्य में शब्द क्या लिखा है, जन्मे जन्मे गुरु से, जो हम रोज गाते हैं ना, कि गुरु के साथ संबंध हमारा कई जन्मों का होता है। तो माता जी कहती हैं, कई जन्मों में मैं आपके, आपको पाने की जिज्ञासा में थी, तो अब आप हमको मिले हैं। जो पहली लाइन है वो ऐसे लिखी हुई है, और पारगम का मतलब विशेष अर्थ है, जो अपने शिष्य को भौतिक सागर से पार ले जाए, मतलब अपने धाम ले जा सके, पारगम। और अंत में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कई जन्मों के बाद भाग्य से किसी को भगवान का
प्रिय प्रमाणिक गुरु मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भागीवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये जो श्लोक है कि कई जन्मों के बाद जीव के भक्ति के संस्कारों से, भक्ति जनक पुण्य संस्कारों से भागवत पुरुष गुरु का संग मिलता है, तो ये देवहूति माता जी आगे कह रही है। याद्य भगवान पुंसाम ईश्वरो वै भवान कीला लोकस्य तमसांधस्य चक्षु सूर्य एव उदितः। सूर्य एव उदितः, सूर्य के समान आप प्रकट हुए हो, सूर्य के समान आप प्रकट हुए हो। प्रभुपाद जी तो तात्पर्य में वही भाव लिखते हैं, कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, तो आप सूर्य के समान प्रकट हुए तो अब निश्चित रूप से लोक का, मेरा नहीं पूरे विश्व का अंधकार नाश हो जाएगा। पर सूर्य जब उगता है तो एक घर का अंधकार नहीं जाता है, पूरी दुनिया का अंधकार चला जाता है। तो यह अद्य यह भगवान कपिल आद्यो, जो आदि है, आप आदि भगवान हो, ईश्वर आप नियंता हो इस जगत के, आप जगत के ही हित के लिए आए हो, तमसा अंधाय, जगत के अंधकार को नाश करने के लिए आए हो, जैसे सूर्य प्रकट होता है। तो ये किसी से प्रश्न पूछने से पहले उसके गुणों का कीर्तन करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। तो देवहूति माता जी कह रही है आप ही आदि पुरुष हो, परम पुरुष भगवान हो, सारे जीवों के ईश्वर हो, आप सूर्य के समान अब प्रकट हुए हो विश्व के अंधकार को नाश करने के लिए। एक तो आद्य का अर्थ है आप आदि पुरुष हो, और ईश्वर परम कृष्ण, प्रभुपाद जी ईश्वर को कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, क्योंकि यह सूर्य आया है तो हम प्रभुपाद जी को एकदम ऐसे लगा कृष्ण है सूर्य समान, तो आप ईश्वर है ईश्वर परम कृष्ण, तो आप सूर्य के समान हैं और आप दिव्य ज्ञान देकर विश्व का अंधकार नाश करेंगे। अब माता जी कहती है अथ मे देव समोहम अपाकृष्टुम त्वम अहरसि यो अवग्रह अहम ममेतीति एतस्मिन् योजितस्त्वया। अब तो माता जी बहुत बड़ी भार, माता जी अपने पुत्र को ऐसे कह सकती है, हमारे को कहने का सामर्थ्य नहीं होता है। अथ मे देव समोहम, मैं तो हे देव मोहित हो गई हूँ। कैसे मोहित हो गई माता जी? अपाकर्षतुम, अब इस मोह से मुझे मुक्त कीजिए, आपने अहरस कृपा कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अवग्रह, जो मेरा इस संसार में सुख ढूंढने की गलती थी या गलत विचार था, इसको आप अब मिटा दीजिए। और ये क्या है, इस संसार में गलती करके आदमी क्या गलत विचार है, मैं और मेरा, ये घर मेरा, ये दुकान मेरा, ये मकान मेरा, ये मैं, ये जो शरीर और शरीर से संबंधी जो चेतना है, आपने माया बनाई, आपकी माया से ही हम मोहित हुए हैं, तो आप ही इस माया से हमको छुड़ा सकते हैं। जैसे कहती क्या है देवहूति, असल में कहती है हमकार को जो ये संसार में सुख ढूंढने का जो
गलत फहमी हो गई है। हाँ, मिसकंसेप्शन को क्या कहेंगे उर्दू में, गलत फहमी है, हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रांति हो गई है। जो हमें भ्रांति हो गई है कि संसार में सुख मिलेगा, ये आपकी माया के कारण है ना, तो ये माया के स्वामी तो आप ही है ना, तो आपने ही तो हमको इसमें डाला है, तो आप ही निकाल सकते हैं। ये इस श्लोक का भाव ये है भाई, माया किसकी है, भगवान की। सबको मोहित किसने किया है, माया ने। मैं और मेरा है माया, तो ये है किसकी, भगवान की। मोहित किसने किया, भगवान ने, तो निकाल कौन सकता है, भगवान। तो जिसकी माया है उसी को प्रार्थना करेंगे। प्रभुपाद जी ने ऐसे ही प्रार्थना की थी अमेरिका में जब उतरे थे, तो कहा ये सब रजो और तमोगुण की माया में मोहित हैं, भगवान ये आपकी वाणी मेरे मुख से नहीं समझ पाएंगे, माया ही आपकी ने इनको मोहित किया है, अगर आप इनको मुक्त करना चाहें तो इनके हृदय में बैठे हुए हैं, इनको मेरी बात को समझने का सामर्थ्य दे दीजिएगा और मेरे को जो आपको कहलाना है वो कहला जिएगा, तो फिर आप जिस काम के लिए मुझे यहाँ लाए हैं वो आपका काम हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी के अमेरिका में उतरते समय के भाव है कि ये तो है अंध्या अज्ञानता का अंधकार, रजो और तमोगुण का साम्राज्य है यहाँ जहाँ मैं आया हूँ और जहाँ आप मुझे लाए हैं, आपका कोई काम होगा। अब ये लोग मेरी बात नहीं समझ सकते हैं जो आप मुझसे कहलाना चाहते हैं, लेकिन आप तो इनके हृदय में परमात्मा के रूप में है ना, तो अगर आप चाहेंगे तो ये आपकी शिक्षा मेरे मुख से समझ पाएंगे, तभी ये माया से मुक्त हो सकते हैं। अब जैसे आप चाहें वैसे मुझसे कहलाइए और जैसे आप चाहें इनको इस संसार सागर से पार ले जाने के लिए मेरा सहयोग करके प्रचार के काम में लगाइए। तो भगवान ने के ऊपर प्रभुपाद जी ने सब छोड़ दिया। तो यहाँ माता जी उसी भाव में कह रही हैं, प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, मैं और मेरा होता है अहंकार के कारण। इसको अहंकार सिर्फ नहीं कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं झूठा अहंकार। तो सच्चा अहंकार भी कोई होता है, जब झूठा अहंकार है तो सच्चा अहंकार भी होना चाहिए। सच्चा अहंकार है कि हम कृष्ण के दास हैं, झूठा अहंकार है कि हम इस दुनिया के स्वामी हैं, घर का स्वामी हूँ कि पत्नी का स्वामी हूँ कि बेटों का बाप हूँ, ये सब झूठा अहंकार है। मैं भगवान का सेवक हूँ, ये सच्चा अहंकार है। कभी कभी भक्तों को ऐसा सच्चा अहंकार प्रदर्शित करना पड़ता है। ऐसे जब मुगलों का यहाँ समय था तो मुगलों का कोई सेवक राजा के लिए फूल लेने के लिए आया, एक ब्राह्मण, वो भी अपने भगवान के लिए माला बनाने के लिए गुलाब के फूल लेने गया। तो जो रोज़ जो माला के लिए फूल लेता था वो उस ज़माने में समानों के एक रुपये के थे ऐसे समझ लीजिए, तो उसने कहा एक रुपये के फूल दे दे, तब तक वो बादशाह का आदमी आ गया, राजा का, बोला ये फूल मुझे चाहिए। बोला नहीं ये महाराज रोज़ लेता है। बोला मैं दो रुपया देता हूँ। राजा का सेवक था, उसने दो बोल दिया। तो इसको फिर कहा कि अरे राजा दुनिया का है, मेरा भगवान तो जगत का नाथ है, तो मैं चार रुपया देता हूँ। तो राजा के सेवक ने कहा आप ये चार देता है, मैं दस देता हूँ। तो इसने बोला ये दस देता है, मैं पचास देता हूँ। भक्त ने कह दिया, तो उसने कहा मैं पचहत्तर देता हूँ। तो भक्त ने कह दिया सौ दे दूँगा। अब सौ से ऊपर तो राजा का सेवक भी नहीं कह पाया, उसका सामर्थ्य नहीं था, और इसके पास सौ रुपये थे नहीं। उसने कहा मैं जानता हूँ रोज़ रुपये का लेते हो, आज मैं सौ से कम नहीं दूंगा ये फूल। वो बेचारा गया घर, दुकान जो घर में सामान था सब बेच दिया, सौ रुपये लेके आया, फूल ले गया और भगवान के गले में माला डाली। भगवान के गले में माला डाली, भगवान का गला ऐसे झुक गया नीचे। पुजारी कहता है भगवान ये आप ऐसे गला कैसे आपका नीचे हो गया। बोला आज जिस गौरव के साथ मेरा भक्त मेरे लिए माला लाया है, उसने मुझे खरीद दिया है, उसने अपना घर बार बेच दिया है सब केवल मेरी माला के लिए, अब तुम उसको अब मेरी सेवा में लगा दो और उसके देखभाल हमारी मंदिर की तरफ से हमारी तरफ से होनी चाहिए।
तो ये सच्चा अहंकार है कि भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं लेकिन वैसे हमारा कुछ नहीं है, भगवान हमारा है। तो झूठा अहंकार जो है ये मैं और मेरे का कारण है और इसी अहंकार को ही हृदय की ग्रंथि कहते हैं। ये जो दिल में गांठ आ गई है ना, हृदय की गांठ भी इसी अहंकार का नाम है। जड़ और चेतन के बीच में गांठ आई है वो भी इसी का नाम है, अहंकार का। तो इससे निवृत्ति कैसे हो? माया से अहंकारी व्यक्ति ही प्रभावित होता है और जो भगवान का शरण लेता है वो माया से मुक्त हो जाता है। तो देहूति कहती है आपकी माया है, आप ही मुझे इससे मुक्त कर सकते हैं। अब एक और श्लोक देहूति माता जी कह रही हैं, यहाँ ऐसा लिखा है कि भगवान की कृपा से जीव इस भौतिक जगत में भोग भी कर रहा है लेकिन जब वो इस भोग से कर कर के थक नहीं जाता और ये समझ लेता है कि ये भोग हमेशा हमारे को दुख देने वाले हैं, तब ये भगवद गीता का श्लोक याद आना चाहिए। ये संसप्रसजा भोगा दुख योनिया एवते आद्य अंत वंत कौनते नतेषु रमते बुद्धा। ये श्लोक याद आना चाहिए कि संसार के इंद्रियों के हर सुख के गर्भ में दुख जन्म लेता है, दुख कहीं और से नहीं आता है, इंद्रियों के सुख के गर्भ में ही दुख जन्म लेता है। आद्य अंत वंत ये सुख आने जाने वाला है। नतेषु रमते बुद्धा, जो बुद्धिमान है जो भागवत भक्त है वो ऐसे इंद्रियों के सुख में रमण नहीं करते तो फिर दुख भोगते हैं। तो लिखा है शक्नोति यह सोढ़ुम, वो सहन करते हैं, वो सामर्थ है सहन करने में। क्या? काम क्रोध उद्भवम वेगम, रजोगुण के कारण काम और काम के कारण क्रोध का जो वेग आता है उसको सहने में वो सामर्थ्य है, उनमें ये समर्थ, उनमें ये शक्ति है, वो ऐसे कर सकते हैं। बोला आप अकेले करने में सामर्थ्य? बोला नहीं। शक्नोति ये सोढ़ुम प्राक शरीर काम क्रोध उद्भव में संयुक्त ससुखी नर, जो भगवान की सेवा में लगता है वही सुखी है, उसको दुख सहने का सामर्थ्य आ जाता है। तो यहाँ लिखा है दुख जो है, सुख जो है, उसी के अंदर दुख है, इसलिए जिसमें इंद्रियों के वेग को सहने का सामर्थ्य है वही असली सुख को पा सकता है, नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। तो माया से बचने के लिए भगवान ने कहा है क्या? ये माम प्रपद्यन्ते मायाम एतांतरंती, जो मेरा शरण लेता है माया के प्रभाव से बच जाते हैं। और फिर प्रभुपाद ने लिखा है सर्वधर्मान परिते अहम माम एकम शरणम, सब काम छोड़ के मेरा शरण लो तो मैं आपको सब दुख से पाप से बचा लूँगा। एक बात और प्रभुपाद लिखते हैं, इस भौतिक जगत में जो पुण्य दान आदि का कार्य है वो भी दुख में, दुख का कारण है। एक बात इस तात्पर्य में लिखी है, अब तात्पर्य को आगे देखेंगे तो अंतिम आखिरी 8-10 जो लाइनें हैं उसमें लिखा है इस भौतिक जगत में भौतिक भोग के पुण्य कार्य भी पाप हैं। जैसे मानो कोई दान देता है किसी मांगने वाले को इस आशा से क
कि ये मेरा दिया हुआ दान वापस मेरे को लौट के बहुत ज़्यादा होके मिल जाएगा, तो ऐसा दान भी रजोगुण का है, आशा के साथ दिया गया है कि मुझे कुछ मिलेगा, तो ऐसे पुण्य भी रजोगुण में आते हैं, तो ये भी पाप है। वैसे तो लिखा है सीधा भक्ति रसामृत सिंधु में, पुण्य भी पाप है और पाप भी पाप है। बोलो क्यों? बोलो पुण्य के बाद स्वर्ग जाना पड़ेगा, पाप के बाद नरक जाना पड़ेगा, लेकिन दोनों से वापस इस दुनिया में आना ही तो पड़ेगा, तो दोनों पाप ही तो हुए, तो दोनों मुक्ति तो नहीं दिला सके ना। तो दोनों भी भौतिक पुण्य और भौतिक पाप देखने में भले अच्छे लगे पुण्य, लेकिन दोनों ही दुखदायी हैं अंततो गत्वा। इसलिए मुख्य जो काम है भक्तिजनक पुण्य है वो हमारा सहायक है। भक्तिजनक पुण्य का मतलब भगवान के गुणगान करने वालों की सेवा करना, भगवान की सेवा में लगना, कथा के विषय में, कीर्तन के विषय में कहना बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये पुण्य है भक्तिजनक। कई जन्मों का ऐसा भक्ति का पुण्य जब तक होता नहीं है ना, तब तक भागवत सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। वहाँ शब्द क्या लिखा है दूसरे श्लोक में? कृति भी ही। दूसरा श्लोक क्या है? धर्म प्रोजित कैतवो निर्मत्सराणाम, इसमें आगे क्या है? वेद्यम वासुदम वास्तवम वस्तु शिवदम तारप त्रय उन्मूलनम, फिर महामुनि कृते सद्य अवरोध्यते कृति भी। भागवत सुनने वालों के हृदय में भगवान एकदम आके बैठ जाते हैं, किसके? सुकृति भी ही। जिसकी भक्ति जनक सुकृति का उदय हुआ है वही भागवत सुनने जाते हैं, उसके हृदय में ही भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ आने के लिए भी सुकृति चाहिए, कीर्ति भी ही शब्द है उसका मतलब सुकृति भी। अब क्या कह रही है देवहूति माता जी, दो श्लोक पढ़ के यहाँ विराम करेंगे। तम वा गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम् जिज्ञास्याहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम्। तम त्वा गताहं शरणं शरण्य, आप ही शरण लेने के योग्य हैं और मैं आपके शरण में आई हूँ। किसका शरण लेना चाहिए ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अब शरण में ले जिस जो शरण में लेने के योग्य हो उसका शरण लेना चाहिए, जो हमारे को संसार रूपी वृक्ष से को काटने की कुल्हाड़ी हाथ में दे सके। यहाँ देखो दूसरी लाइन में है स्वभृत्य आपके सेवक, भृत्य का मतलब सेवक, स्व मतलब आपके, संसार तरो, तरो का मतलब वृक्ष और कुठार का मतलब कुल्हाड़ी। अब संसार के वृक्ष का वर्णन कहाँ है? पंद्रहवें अध्याय भगवत में, ऊर्ध्व मूल अधशाखम, उसको काटने का रास्ता क्या बताया पंद्रहवें अध्याय में? असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा। तो ये उसकी बात की जा रही है। तो शरण किसका लेना चाहिए? जो हमारे को दिव्य ज्ञान की कुल्हाड़ी दे, जिस ज्ञान के साथ वैराग और ज्ञान की कुल्हाड़ी से संसार के वृक्ष को काटा जाए। केकई ने मंथरा का शरण लिया अपने नीचे तो सब कुछ विनाश हो गया। किसका शरण लेना चाहिए ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। और आगे कहती है जिज्ञासा हम प्रकृति में, प्रकृति और पुरुष के विषय में जिज्ञासा करती हूँ।
प्रकृति तो यह संसार है और पुरुष एक तो भगवान है जो असली पुरुष है और दूसरा नकली पुरुष जीव है। असली पुरुष भगवान है, नकली पुरुष जीव है और ये संसार इसके विषय में जिज्ञासा कर रही हूँ। नमामि, मैं नमस्कार करती हूँ। सद्धर्म विदान वरिष्ठम, सद्धर्म का रास्ता बताने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अब माँ अपने बेटे को प्रणाम कर रही है। देवहूति कहा कि मैं आपका शरण ले रही हूँ, आपके चरणों का शरण ले रही हूँ, आप ही शरण लेने के योग्य हैं। आप ऐसी कुल्हाड़ी है जो भौतिक वृक्ष को काटने का काम करेगी। इसका मतलब आपका दिया हुआ ज्ञान हमको इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त करा देगा, ये बंधन कट जाएंगे। इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, मैं आपसे पूछती हूँ कि स्त्री पुरुष का, यहाँ प्रभुपाद ने लिखा, मतलब प्रकृति और पुरुष का आपस में संबंध क्या है। इसका अर्थ है पुरुष और प्रकृति, ये भगवद गीता में 6 चीज़ें पूछी गई है 13वें अध्याय में। क्या क्या है? ज्ञान ज्ञेय, ज्ञान क्या है, जाना किसको चाहिए, पुरुष प्रकृति, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, और तीसरा क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। तो ये 6 प्रश्न है। तो यहाँ पुरुष और प्रकृति के विषय में पूछा गया है। प्रभुपाद ने उसको लिखा है बिटवीन मैन एंड वुमेन, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमन, मैन एंड, अंग्रेजी में ऐसे लिखा, क्या हिंदी में क्या लिखा है, पुरुष और स्त्री लिखा है कि प्रकृति लिखा है, हाँ, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है बिटवीन मैन एंड वीमन, देन फिर लिखा है बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य विशेष रूप से पुरुष शब्द के ऊपर है। असल में तो पुरुष है भगवान, लेकिन भौतिक जगत में भोग की कामना करने वाले जीव भी अपने आप को पुरुष मानते हैं, तो वो कैसे प्रकृति में फंस जाते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। असमें उसमें से छूटने का क्या रास्ता है, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो प्रभुपाद जी ने सांख्या दर्शन में प्रकृति और पुरुष का वर्णन होता है, पहले ये बात कही है। फिर आसक्ति क्या है, बोला प्रकृति ही आसक्ति का कारण है। ये आसक्ति है प्रकृति और पुरुष के बीच में होती है, आसक्ति जो है ये प्रकृति और पुरुष में भी, इसका मतलब जीव आत्मा इस भौतिक जगत में आसक्त होता है। तो भौतिक जगत प्रकृति है, जीवात्मा पुरुष है और आकर्षण इसके अंदर होता है। तो जीव को पुरुष क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भोगना चाहता है। अब ये मैत्रेय जी 12वां श्लोक कहते हैं, ये पढ़ते हैं। कपिल देव के सांख्या शिक्षा इस भौतिक बंधन से मुक्त होने का साधन है। मैत्रेय वाच इति स्वमातोर निर्वेद्यमिपिष्टम् निष्मय पुंसाम अपवर्ग वर्धनम् धिया भिनंद्यात्मवान सताम गति। बभाष ईषत् स्मित शोभिताननः समय ज्यादा हो गया है। मैत्र ऋषि कहते हैं अपनी माता का जो इच्छा, शुद्ध इच्छा थी, उसको वो दिव्य अनुभूति चाह रही थी, उसका जब वचन सुने तो कपिल देव ने उनका धन्यवाद किया कि आपके प्रसन्न माता बहुत अच्छे हैं, और उनका मुख कमल मुस्कुराता हुआ, बड़े प्रसन्नचित थे और उन्होंने आध्यात्मिकता का मार्ग आत्म साक्षात्कार में
रुचि रखने वालों को कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, ये अपनी माता को शिक्षा दिया। तो यहाँ से कथा को कल आगे श्रवण वर्णन करेंगे। समय ज़्यादा हो गया है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कपिल देव भगवान की जय। देवहूति माता की जय। दाई गौर प्रेमानंदे।